हेलो गाइस, कुछ ही समय पहले चंपू ने फोटोग्राफी का नया काम शुरू किया था। एक बार उसे फ्यूनरल समारोह में फोटो खींचने के लिए बुलाया गया, लेकिन फोटो खींचने से पहले ही मरने वाले के रिश्तेदारों ने उसे खूब जमकर बुरी तरह से पीटा। क्यों? कारण पूछने पर पता चला कि चंपू ने मृतक की फोटो खींचते हुए कहा था, स्माइल प्लीज। देखो नंदू, नजर हटा लो वरना रस्सी छूट जाएगी। छूटने दो, झूमर गिर जाएगा। गिरने दो, शीशे टूट जाएंगे। टूट जाने दो, और अगर शीशे टूटे तो पलके चिपक जाएंगी। देखते हैं किसकी पलके पहले चिपकती है। देखो नंदू, नजर कुछ उजाले की चकाचौंध से डरते हैं, कुछ उजाले की चकाचौंध से डरते हैं, कुछ अंधेरे में परछाइयों से डरते हैं। हम भी तन्हा हैं अपनी रहबर निहारते, पर जाने क्यों आपकी अंगड़ाइयों से डरते हैं। कुछ को ख्वाब देख के जीने की आदत है, कुछ को ख्वाब देख के जीने की आदत है, कुछ को पैखाने में पीने की आदत है। हम हैं परेशान दीवानापन की आदतों से, पर जाने क्यों शादी की सहनाइयों से डरते हैं। इंतजार कर रहा हूँ जुस्तजू जो है, इंतजार कर रहा हूँ जुस्तजू जो है, इजहार भले ही न करूं आरजू तो है। कुछ मोहब्बत में किस्से सुने हैं ऐसे, हम अभी से आपकी तन्हाइयों से डरते हैं। हेलो, आपका नाम पापा किसने रख दिया? बेटा, आप ही पापा कहते हो तो पापा नाम आपने रखा है। हाँ तो और पापा क्यों नहीं कहते? क्योंकि मैं उनका पापा नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? क्योंकि उनकी मम्मी से मेरी शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरी शादी तेरी मम्मी से होगी थी। अच्छा, वो आपकी मम्मी क्यों नहीं है? बेटा इसलिए कि वो तेरी मम्मी है, इसलिए मेरी मम्मी नहीं है। हाँ तो आप मम्मी क्यों बुलाते हो? वो यार तेरी मम्मी को मैं क्यों मम्मी? पत्थर के पीछ के कभो मैदा नहीं हुआ, हमरा के कोनो पीठ दे पैदा नहीं हुआ। मजाकिए साला सीरियस ले लिया। एक खूबसूरत लड़की बस स्टैंड पर खड़ी थी। एक नौजवान बोला, चांद तो रात को निकलता है, आज दिन में कैसे निकल आया? लड़की बोली, अरे उल्लू तो रात को बोलता है, आज दिन में कैसे बोल रहा है? हेलो दोस्तों, दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, हजारों, लेकिन उसी दुनिया में एक एक ऐसा रिश्ता जरूर बनाओ दोस्तों। ऐसा रिश्ता जरूर बनाओ जब वो हजारों आपके खिलाफ हो, तो वो आपका एक रिश्ता आपके साथ खड़ा हो। अगर इस बात से हमारे एग्री करते हो तो एक लाइक एक शेयर भी करना मत भूलिएगा। बेटा बहू अपने बेडरूम में बातें कर रहे थे। द्वार खुली होने के कारण पास के कमरे में बैठी माँ को सारी बातें सुनाई दे रही थी। बेटा बोला कि हम अपनी जॉब के कारण माँ का ध्यान नहीं रख पाते, क्यों ना उनका दाखिला वृद्धाश्रम में कराते, वहाँ उनकी देखभाल भी अच्छे से होगी और हम भी कभी कभी जाकर मिल लिया करेंगे। तब बहू ने जो कहा यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बहू ने कहा कि पैसे कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, माँ का आशीष जितना मिले उतना कम है, अभी पैसे से ज्यादा उन्हें हमारी साथ की जरूरत है। मैं जॉब नहीं करूंगी और घर पर रहकर माँ की अच्छे से देखभाल किया करूंगी। याद करो तुम अपने बचपन को, पिताजी के नहीं रहने पर माँ किस तरह से तुम्हें पाल पोस कर इस काबिल बनाई है। कभी उन्होंने तुम्हें पड़ोसी के पास अकेला तक नहीं छोड़ा, कारण कोई दूसरा तुम्हारा ख्याल अच्छे से नहीं रखेगा। तुम कुछ भी कहो, माँ हमारे साथ ही रहेगी हमेशा और अंत तक। बहू की बातें सुनकर माँ रोते हुए पूजा रूम में चली गई और वहां भगवान के पास खड़ी होकर कहने लगी कि तुमने मुझे बेटी नहीं दी, इस वजह से मैं हमेशा तुम्हें भला बुरा करती रहती थी, पर ऐसी भाग लक्ष्मी देने के लिए तुम्हारा आभार, मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो। बेटा भिखारी ने कुत्ते से कहा, तू है तो बड़ा वफादार पर तुझमें तीन कमियां हैं। एक तो तू दीवार पर बाथरूम करता है, दूसरा तू भिखारी को देखकर भौंकता है, तीसरा तू रात को सोने वाले इंसान की नींद हराम करता है भौंक भौंक के। तो कुत्ते ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, बोलता है कि मैं जमीन पर बाथरूम इसलिए नहीं करता कि कहीं किसी खुदा के बंदे ने वहां बैठकर उस खुदा का सजदा ना किया हो। दूसरी बात, मैं भिखारी को देखकर इसलिए भौंकता हूँ क्योंकि वो इंसान के सामने भीख मांगता है, उस भगवान से कभी भीख नहीं मांगता, बल्कि इंसान खुद एक भिखारी है। तीसरी बात ये, मैं रात को इसलिए भौंकता हूँ, रात को जब इंसान चैन की नींद सो जाता है और उस खुदा को याद करना भी भूल जाता है, इसलिए मैं इंसान को जगाता हूँ कि उठ और उस खुदा को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है।
तो बहुत ही प्यारी सी लाइन मैं अपने फौजी दोस्तों के लिए बोलना चाहूंगी। कैसे सोती होगी वो हर माँ जिसे पता है कि सीमा पर उसका बेटा खड़ा है, कैसे कमाता होगा वो हर पिता जिसका बेटा दुश्मन के सामने खड़ा है, कैसे चहकती होगी वो हर बहन जिसके भाई का इंतजार बंदूक की हर गोली कर रही है, कैसे काम करता होगा वो हर भाई जो उसके आने का इंतजार कर रहा हो, जैसे कैसे जीती होगी वो नारी जिसका सिंदूर कभी भी मिट सकता है, कैसे रहते होंगे वो हर दोस्त जिनका यार कभी भी तिरंगे में लिपटा आ सकता है। दोस्तों एक सिपाही अगर भारतीय होने के नाते हम इतना तो कर सकते हैं दोस्तों कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, नोटों में भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो बहुत ही प्यारी सी लाइन्स में रे आए? सबसे ज्यादा किस चीज में नशा है रे? अरे किताब में है गुरु जी। ये कैसे रे? अरे जखनी इसे खोलिए उखनिए नींद लग जाता है। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पे पोस्ट किया, पंछी बनके उड़ता फिरू मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही धनिया ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल बचने न दूंगी तुम्हारे चवन में। हेलो बॉयस, आप लोगों के लिए बहुत प्यारी सी बात है मेरे पास, बताना चाहूंगी मैं जरूर। एक लड़कियां जो आप पटाना चाहते हो ना, अपनी बॉडी दिखाकर अपना स्मार्टनेस दिखाकर जिम जाते हो, थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लो, क्योंकि आजकल के जमाने में लड़कियां सिर्फ स्मार्टनेस देखकर इम्प्रेस नहीं होती, रोकड़ा भी होना चाहिए। इसलिए जिम छोड़ो, सरकारी जॉब छोड़ो ढूंढो, तब भी लड़कियां इम्प्रेस होंगी। एक महफिल में जोकर को बुलाया गया, जोकर ने एक जोक सुनाया, सब लोग हंसने लगे, फिर वही जोक सुनाया, सब लोग हंसने लगे, फिर वही जोक सुना, कोई नहीं हंसा। महफिल से आदमी ने पूछा कि बार बार वही जोक क्यों सुना रहे हो, अब तो हंसी भी नहीं आती। तब जोकर ने कहा कि जब एक खुशी को लेके बार बार खुश नहीं हो सकते, तो एक गम को लेके बार बार दुखी क्यों होते हो। एक स्वीट सा मैसेज हर उस इंसान के लिए जो अपने आप को दुखी समझता है। बेटियां चिड़िया होती है पर इनके पंख नहीं होते, होता है ससुराल भी होता है पर बेटियों के कोई घर नहीं होते, मायके वाले कहते हैं ये पराई हैं और ससुराल वाले कहते हैं ये पराए घर से आई हैं। खुदा अब तू ही बता, बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं। एक लाइक बेटियों के। ट्रिंग ट्रिंग, हेलो। हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी। कमीनी मुझसे बात मत करना, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। क्यों, क्या हो गया यार? कल जब तू थिएटर में से बाहर निकलती थी ना, तेरे साथ मैंने एक आदमी को देखा था, मतलब तू उसके साथ मूवी देखने गई थी। अरे यार ऐसी बात नहीं है, वो तो क्या है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस महंगाई के जमाने में ना, मैं सारा खर्चे का भार मेरा जो है वो तुम पे अकेले पे नहीं डालना चाहती यार। क्या? हाँ। कमीनी फोन रख दे तू। क्या? हेलो दोस्तों, बहुत ही प्यारी सी लाइन है, बहुत स्वीट है, जिंदगी का एक अहम बात है आप लोगों के, लड़की के लिए स्वाभिमान की बात है। आप लोग अगर दोस्तों किसी भी लड़की को आप इज्जत और प्रेम दे के देख लो, वो जान दे देगी लेकिन आपको कभी धोखा नहीं देगी। एक लड़का एक लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जा रहा था। तभी लड़की का किसी बाहर शहर में जॉब लग गया और लड़की को अपने जॉब के लिए बाहर शहर जाना पड़ा। लड़का थोड़ा सा उदास हुआ लेकिन उससे ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो चाहता था कि वो लड़की आगे बढ़े। लड़की भी बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए। लड़की वहाँ गई, कुछ दिनों तक बात होता रहा, अच्छा चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद लड़की ने लड़के का इंपॉर्टेंट देना बहुत कम कर दिया। लड़के ने उसे समझाया कि क्या हुआ, लड़की ने बोला कुछ नहीं हुआ, लेकिन लड़की को तभी मालूम चला कि लड़की ने किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। लड़का बहुत दुखी हुआ, बहुत टूट गया, लेकिन उसे कुछ ना बोला क्योंकि वो चाहता था वो जहां खुश है वहीं खुश रहे। लड़के ने लड़की को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तभी लड़की का जो बॉयफ्रेंड था वो उसे चीट कर दिया। तब लड़की को इस लड़के की याद आई और उसे बहुत फ़ोन मिलाने की कोशिश की, पर वो लड़के का फ़ोन ना मिला पाई। तो प्लीज़ सही समय पे अपने सच्चे प्यार की कदर कर लो, सच्चा प्यार बार बार नहीं। मैडम ये जेंट्स की जगह दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई तो दे रहा है। क्या? यही कि ये जेंट्स की जगह है, लेडीज फुल था। जिन जिन लड़कियों के फोन में लॉक है, जरूर वो किसी लड़के के दिल में ब्लॉक हैं। कल रात भर मैं सोचती रही, एक बजे तक सोचा कि तुमसे प्यार क्यों करूं, दो बजे लगा कि हर जी क्या है,
तीन बजे लगा कि थोड़ी जल्दी तो नहीं हो जाएगी यार, चार बजे लगा कि अब नहीं तो कब करूंगी, पांच बजते बजते मैं तय कर चुकी थी करते हैं ना यार। और अब सुनेगा, यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। वाह वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, कभी हिंदी पे बंदिश है कभी उर्दू पे ताला। क्या बात है। और अब सुनेगा, यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे। अबे अंधे, दिखता नहीं है क्या? सॉरी। आई बड़ी मेरे को बोल रही थी। तू किशन नहीं है? नहीं हूँ। नहीं है? मैं नहीं हूँ बोला ना, किशन नहीं हूँ बोला। मैं आज बन के इतनी बार चाटा। अगर नहीं है तो मार मेरे गाल पर एक मार। हेलो, कहाँ हो? मोटी वेट कर रहा हूँ। किसे? किसे मतलब क्या, तेरा एक घंटे से वेट कर रहा हूँ मोटी। क्या? मोटी वेट कर रहा हूँ। अच्छा भाई ये बता, मैं तेरे दिल के कितना करीब हूँ? भाई तू मेरे दिल में है ऐसे जैसे किडनी में स्टोन। चल जो भी हो, तूने मेरा दिल खुश कर दिया, इसी बात पे रसगुल्ला खिलाऊंगा तुझे। यार जब भी रसगुल्ले का नाम सुनता हूँ ना मुँह में पानी आ जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि जब पानी का नाम सुनूं मुँह में रसगुल्ला आ जाए? ये ना सुधरेगा पगला है भैया। चल चल, क्या रे गोरे बिच्छू सीटियां मार रहा? हाँ कौन मारे सीटी? कौन मारे पोटियों को छेड़ने डरा रहे यहाँ पे? अबे क्या सोच रहा है यार, आजकल 14 फरवरी का क्रेज छाया हुआ है। ऐसा क्या होता है 14 फरवरी को? तेरी शादी हो गई? नहीं तो तेरी गर्लफ्रेंड है? वो भी नहीं है? हाँ तो फिर तेरे लिए 14 फरवरी को महाशिवरात्रि है। तीन चीजों में कभी शर्म महसूस मत करना, एक पुराने कपड़ों में, दो गरीब दोस्तों में, तीन बूढ़े माँ बाप में, और जिंदगी में तीन लोगों को कभी मत। साली तो आधी घरवाली हो वे। सही सुना है जीजा जी, तो आज से तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी हमारी, थारी आधी सैलरी हमारी, यहाँ तक कि थारा आधा खून थारी बीवी पिएगी और आधा खून मैं। हंसा बुरी खबर है, तुम्हारे पापा आखिरी सांसें गिन रहे हैं। हाय हाय किसकी? अरे खुद की आखिरी सांसें गिन रहे हैं, और तुम्हें और हिमांशु को याद किया है। अच्छा। मम्मी हिमांशु मामा को फोन लग गया। हाय हाय कैसे लग गया, कहाँ लग गया? बम की आवाज सुनाई पड़ेगी ना दिल दहल जाएगा आज देखना। ए कौन सा बम दगाने जा रहे हो? परमाणु बम दगाने जा रहे हैं, चौबे की दुकान से लेके आए हैं, जा बता दो जाके जिसको बताना है। शकल देखो परमाणु बम दगाई है।